गुड इवनिंग। आज हम आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताने जा रहे हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस से संबंधित वाक्य किस प्रकार बनते हैं। सबसे पहले देखिए इसकी पहचान क्या होती है। तो इसकी पहचान के बारे में ये दिया जा चुका है, जैसे वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, या दिया था, लिया था, इस प्रकार के शब्द आते हैं। कभी कभी क्या होता है, जैसे खाया था, पिया था, गए थे, इस प्रकार के भी शब्द आ जाते हैं। तो इस प्रकार के जब शब्द आते हैं तो ऐसे वाक्यों को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। इसमें क्या होता है कि कार्य जो है हमारा समाप्त हो चुका होता है और इसकी सहायक क्रिया जो होती है वो हेड होती है। अब उसमें हमें एक फायदा ये है कि क्योंकि सिंगल सहायक क्रिया होती है, एक ही सहायक क्रिया होती है, इसलिए इसमें एक वचन का कर्ता या बहुवचन का कर्ता इसके बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि दोनों के साथ ही हेड का प्रयोग होगा। तो इसमें यह बात ध्यान रखनी है कि आपको चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन कर्ता हो, आपको हेड का ही प्रयोग करना है। अब इससे पहले हमने बताया था जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं, चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ, इन सभी में जितनी परफेक्ट होते हैं इन सभी में क्रिया की थर्ड फॉर्म प्रयोग की जाती है। जैसे हमारे तीन टेंस होते हैं, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट होता है और पास्ट परफेक्ट होता है, फ्यूचर परफेक्ट होता है, तो तीनों ये परफेक्ट जितने भी हैं इनमें सब में क्रिया की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले हमारा स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए, जो जिसको हम हिंदी बोलते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। तो इसमें हमारा स्ट्रक्चर ये है कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हमने ये वाक्य बनाया, ही हैड ऑलरेडी हर्ड दिस न्यूज, वह यह समाचार पहले ही सुन चुका था, वह यह समाचार ये। तो इसमें स्ट्रक्चर जो हमारा बनता है तो उसमें क्या होता है, इसी ये सब्जेक्ट है, वह पहले ही सुन चुका था यह समाचार। मतलब इस क्रम में आप बनाएंगे तो आपका वाक्य बिल्कुल सही बनेगा। पहले क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट लगाएंगे तो ही माने वह होता है, फिर हैड ऑलरेडी इसका मतलब होता है पहले से ही, हर्ड मींस सुन चुका था, और दिस माने यह, न्यूज माने समाचार। अब न्यूज शब्द जो होता है, कुछ बच्चे क्या करते हैं न्यूज शब्द को प्लूरल मान के यूज कर देते हैं, तो आगे इस बात का ध्यान रखिए कि न्यूज जो होता है सिंगुलर में ही इसका प्रयोग किया जाता है, और ये होती है सुनने की, जैसे हियर होता है हियर, हर्ड हर्ड। तो ये इसकी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक ही जैसी रहती है, ये ध्यान रखें इसमें। अब देखिए इसमें चीज ध्यान रखनी है कि इस काल में अधिकतर वाक्य दो प्रकार के होते हैं। अब जैसे ये हमने स्ट्रक्चर तो सारा ही लिखा है आपको, इसमें दो प्रकार के वाक्य नहीं होते, एक ही प्रकार का होता है। अब जो है उस चीज पे थोड़ा ध्यान देना है कि इस काल में अधिकतर वाक्य दो प्रकार के होते हैं, जो बिफोर से जुड़े होंगे या आफ्टर से जुड़े होंगे या फिर भेन से जुड़े होंगे। तो ये किसी न किसी इस कनेक्टर से जुड़े होंगे। तो जैसे तो ऐसे वाक्यों में क्या करना है, थोड़ा हमें ध्यान रखना है, ऐसे वाक्यों में कार्य पहले से, जो एक कार्य, जैसे दो कार्य होते हैं तो उसमें एक कार्य पहले हो गया होगा, तो जो कार्य पहले हुआ है उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। यानी जो पास्ट परफेक्ट टेंस में वाक्य बनेगा उसमें ये वाला स्ट्रक्चर यूज किया जाएगा, ये ठीक है। अब जो दूसरा वाक्य है जो बाद में हुआ है कार्य, पहले तो ये हो गया, अब दूसरा वाक्य जो कार्य बाद में हुआ तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। अब हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर पहले ही आपको बना के दिखा दिया था, क्योंकि ये टेंस हम पहले समझा चुके हैं, तो वही वाला स्ट्रक्चर आप इसमें यूज करेंगे तो आपका ये सेंटेंस सही बन जाएगा। यानी कि ये आपको ध्यान रखना है, या तो वो आफ्टर से जुड़ा होगा या बिफोर से जुड़ा होगा या वेन से जुड़ा होगा, लेकिन थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि वेन या बिफोर से जो वाक्य जुड़ा होगा उसमें सबसे पहले जो है
पास्ट परफेक्ट टेंस वाला ही वाक्य बनेगा। और यदि वाक्य आफ्टर से जुड़ा हुआ है तो थोड़ा सा इसमें परिवर्तन ये आएगा कि आपको आफ्टर वाला जो सेंटेंस है, जो आफ्टर से जुड़ा हुआ है, उसको उसमें क्या है, सबसे पहले जो है पास्ट इंडेफिनिट वाला वाक्य बनेगा, इसके बाद पास्ट परफेक्ट वाला वाक्य बनेगा। तो हमको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जब आफ्टर का यूज हो जाता है इसका, तब हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाला वाक्य पहले बनाना पड़ेगा और बाद में हमें पास्ट परफेक्ट टेंस वाला वाक्य बनाना है। अब उदाहरण के लिए देखिए, मेरे आने से पहले वह विद्यालय चला गया था। अब मेरे आने से पहले वह विद्यालय, तो इसमें हमें यह पता लगाना है कि पहले कौन सा काम हुआ। तो ये कार्य पहले हुआ है, विद्यालय चला गया था, वह विद्यालय चला गया था। जैसे ही हमें पता लगा ये कार्य पहले हुआ तो हम इसको पहले बनाएंगे। फिर इसके बाद जो दूसरा वाक्य है ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चला जाएगा। अब नेक्स्ट है ये वाला, खाना खाने के बाद मैं बाजार चला गया। तो इसमें क्या है कि खाना खाने के बाद मैं बाजार, यानी इसमें क्या किया गया है, इसमें वही बात आ गई कि आफ्टर का यूज हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाला वाक्य है उसको हम पहले बनाएंगे, इसके बाद आफ्टर का यूज करके उसको जोड़ देंगे। जैसे ये पहला वाला वाक्य बनाया था, ही हैड गॉन टू स्कूल बिफोर आई केम। तो आपने देखा होगा कि यहां पर हमने केम लगाया है, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट में हो गया, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में क्रिया की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, अन्य किसी भी टेंस में क्रिया की सेकंड फॉर्म नहीं यूज की जाती है। आपको थोड़ा ये ध्यान रखना है कि एक ही हमारा काल ऐसा है, एक ही टेंस ऐसा है जिसमें क्रिया की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसमें भी ये है कि अगर वाक्य नेगेटिव हो गया या इंटरोगेटिव हो गया या क्वेश्चन वर्ड हो गया तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, यानी कि जब वाक्य अफर्मेटिव है, साधारण है, तभी इसमें क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि सेकंड फॉर्म का यूज सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है, इसके बाद किसी टेंस में नहीं होता है। ज्यादातर वाक्यों में थर्ड फॉर्म यूज होती है, फर्स्ट फॉर्म यूज होती है और आईएनजी फॉर्म यूज होती है, लेकिन सेकंड फॉर्म जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज होती है। अब देखिए आगे, जिस वाक्य में आफ्टर यानी बाद, जिसका अर्थ होता है हिंदी में बाद, बाद में शब्द लगा हो, तो ऐसे वाक्यों में हम सबसे पहले जो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में हो उसे पहले बनाएंगे। मतलब थोड़ा सा ये हमें ध्यान रखना है कि अगर उसमें आफ्टर शब्द लगा है तो हमको थोड़ा चेंज करना है कि पास्ट इंडेफिनिट वाले को पहले बनाना है, फिर इसके बाद पास्ट परफेक्ट वाले वाक्य को बनाना है। इस तरीके से जब हम वाक्य बनाएंगे तो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का जो वाक्य है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात आती है इंटरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड की। अब क्वेश्चन वर्ड डब्ल्यूएच फैमिली के जो कुछ वाक्य होते हैं, जैसे भेर है, भेन है और भाई है, बीच है, तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान हमें ये रखना है कि इसमें कोई विशेष बदलाव नहीं होता है, कि आपको सिर्फ ये करना है इंटरोगेटिव है, यानी जो शब्द क्या से शुरू हुआ है, आपको क्या वाले वाक्य जो क्या से शुरू होते हैं, जैसे क्या पहले लग गया सब्जेक्ट से पहले, तो इसमें हमको ये पहचान करनी है क्या वाला जो भी वाक्य होता है उसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं, लेकिन जब डब्ल्यू एच वर्ड लगा होता है तो उसमें हम आंसर जो है वो यस या नो में नहीं दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको यही करना है कि डब्ल्यू एच वर्ड लगा हो तो आप पहले डब्ल्यू एच वर्ड लगाना है, इसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब लगानी है और बाकी जो स्ट्रक्चर इसी तरह से चलेगा। तो इस तरीके से जब बनाएंगे तो आप गलती नहीं होगी। और जब क्या शब्द लगा हो, जैसे ये दिया है यहाँ पर एक वाक्य दिया गया था, ये मेरे आने से पहले वह विद्यालय चला गया था। अब यहां पर हम लिखते हैं क्या मेरे आने से पहले वह विद्यालय चला गया था, तो यहां पर क्या है, जब क्या शब्द लग गया तो इसके बाद क्या होगा कि हैड जो है आगे आ जाएगा और इसके बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा और बाकी स्ट्रक्चर इसी तरीके से चलेगा। यानी यहां पर अगर क्या आ गया तो हम पहले क्या करेंगे, यूज हैड लगा देंगे। ऐसे ही अगर डब्ल्यू एच वर्ड आ गया तो डब्ल्यू एच वर्ड आ गया तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड लगाएंगे, फिर इसके बाद
हेड लगाएंगे। तो इस तरह से इस बात को बनाएंगे और हम कहीं भी फिर बाद में हम इस तरीके से बनाएंगे तो हमारी कहीं ज्यादा मिस्टेक नहीं होगी या होगी ही नहीं बिल्कुल। और फिर अगर आप प्रैक्टिस करते हैं और गलतियां हो जाती हैं तो आप उसको पूछिए कि आप हमारे जो चैनल पे देखते हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि हमारे यहाँ पर इस जगह पर ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो हम उसको दोबारा बताने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।